नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलो ये शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट है जारी की गई थी, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन हमारे 140, 142वां, 123वां या 156। तो ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 142वां। नेक्स्ट, हमारा हाल ही में पूर्व क्रिकेटर ग्रिम वाटसन का निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित थे? तो ये जो ग्रिम वाटसन है, इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन हमारे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो पूर्व क्रिकेटर थे ग्रिम वाटसन, जिनका जो है निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो कौन सा देश है जो अपनी सेना पर जो है अधिक खर्च करता है, और इसका भारत को जो कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन हमारे पहला, तीसरा, पांचवा या आठवा। तो भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, तीसरा। तो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का जो स्थान है, ये तीसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो सीवीसी के रूप में जो है ये सतर्कता आयुक्त के रूप में जो शपथ ग्रहण है, किनके द्वारा की गई है? ऑप्शन हमारे मनोज सिंह चौधरी, श्रीधर चौधरी, सुरेश एन पटेल या आलोक शर्मा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सुरेश एन पटेल। तो हाल ही में जो है सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है सुरेश एन पटेल ने जो है शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो लेबर डे जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 2 मई, 28 अप्रैल, 30 अप्रैल या 1 अप्रैल। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 1 मई। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है, इसने किसानों के लिए एक ऐप शुरू किया है। तो आपको जो है इस ऐप का नाम बताना है। ऑप्शन हमारे खेती करो, किसान सभा, फसल मूल्य या किसान भारत। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, किसान सभा। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में जो है किसान सभा नाम से एक यह ऐप किसानों के लिए शुरू की है। नेक्स्ट, हमारा हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे? तो ऑप्शन हमारे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस। तो जो ये प्रसिद्ध खिलाड़ी थे चुन्नी गोस्वामी, जिनका निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, फुटबॉल। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है इसको दबाना ना भूलें, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू किया? तो अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर ये वॉइस बैंकिंग सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है, ये किस बैंक ने शुरू की है? ऑप्शन हमारे SBI, ICICI, HDFC या PNB। तो सही आंसर हमारा बी, ICICI बैंक। तो हाल ही में जो ICICI बैंक है, इसने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर जो वॉइस सेवा, ये वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में
जो ऋषि कपूर है इनका निधन हो गया। ये किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन हमारे, एक अभिनेता थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे या पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अभिनेता। तो ये जो है एक एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो यूएन मुख्यालय है इसमें भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे फारूक अली को, जगविंदर सिंह को, एम के त्रिपाठी को या टी एस त्रिमूर्ति को। तो यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, टी एस त्रिमूर्ति। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सूचना एवं प्रसारण विभाग के नए सचिव बने हैं? तो सूचना एवं प्रसारण विभाग के नए सचिव किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन हमारे अतुल शर्मा, अमिताभ गौड़, अमित खरे या हर्षा चौधरी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, अमित खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए प्रमुख बने हैं? तो ये जो सीबीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसके नए प्रमुख कौन व्यक्ति बने हैं? तो ऑप्शन है हमारे राजन शर्मा, कपिल गुप्ता, आनंद देव या संजय कोठारी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, संजय कोठारी। तो संजय कोठारी को जो हाल ही में सीबीसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने हाल ही में नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा खत्म की है? तो नाबालिग व्यक्ति के लिए मौत की सज़ा किस देश ने खत्म की है? ऑप्शन हमारे इंडोनेशिया ने, ईरान ने, सऊदी अरब ने या अफगानिस्तान ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब देश ने जो है नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट हमारा, कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में OECD में अमेरिका की अगली दूत नियुक्त की गई है? तो ये OECD में अमेरिका की जो अगली दूत है ये किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे रितिका शर्मा, अवनी त्रिपाठी, रेखा मेनन या मनीषा सिंह। तो किन्हें जो है ये नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मनीषा सिंह। तो मनीषा सिंह को जो है भारतीय मूल की है पहली महिला जिन्हें OECD में अमेरिका की अगली जो है ये दूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 21 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 29 अप्रैल को या 25 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 29 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना नाम से योजना लॉन्च की है? तो ये जो जीवन शक्ति योजना नाम से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन हमारे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो ये जो जीवन शक्ति योजना है ये किस राज्य के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना जो है लॉन्च की है। नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 30 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 3 अप्रैल को या 13 अप्रैल को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 23 अप्रैल। तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो वर्ल्ड मलेरिया डे है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 20 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 5 अप्रैल को या 15 अप्रैल को। तो विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी,
25 अप्रैल, तो 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, हर वर्ष का मनाया जाता है। तो ये जो वर्ल्ड बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष का मनाया जाता है, ऑप्शन हमारे 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 26 अप्रैल या 16 अप्रैल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जरीना हाशमी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये जो प्रसिद्ध जरीना हाशमी थे, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन हमारे शिल्पकार, अभिनेत्री, गायक या पूर्व राज्यपाल। तो ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति तब थे जरीन हाशमी, जिनका जो निधन हो गया है, तो ये कौन थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, शिल्पकार। तो ये एक शिल्पकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तब इरफान खान का निधन हो गया, तो वह कौन थे? तो ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति है इरफान खान, जिनका जो अब हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ऑप्शन हमारे अभिनेता थे, लेखक थे, गायक थे या पूर्व क्रिकेटर थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अभिनेता। तो ये एक अभिनेता थे। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट जीके के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।